नमस्कार मम्मी अम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं जा रही हूँ आलू सोयाबीन के सब्ज़ी बनाने, तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। तो आलू उबाल के मैं काट ली हूँ और इधर टमाटर है, अदरक लहसुन है और इसके अंदर खरबूज के बीज है, पोस्तोदाना है, थोड़ी सी हल्दी है, सब एक साथ मैं मिक्स कर दी हूँ और काली मिर्च और जीरा सब है और इधर सोयाबीन है और इधर सूखा मसाला मैं फ़ौरन के लिए तेज़पत्ता और लौंग, इलायची, दालचीनी सब एक ही साथ, जावित्री वगैरह रख दी हूँ और हल्दी है और दो लाल मिर्च है और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, तो अपना टेस्ट के हिसाब से, और स्वाद अनुसार नमक है और साधारण सी मैं आलू और सोयाबीन के सब्ज़ी जैसे घर में बनाते हैं पोस्तोदाना डाल के बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये अभी हल्का सा इसके अंदर तेल डाल रही हूँ कढ़ाई के अंदर, कढ़ाई गर्म हो गई है और इसके अंदर ये जो टोमेटो प्याज लहसुन है इसे मिक्स में मैं पीस लेंगे। 2 प्याज है, 2 टमाटर है, 1 लहसुन है, 2 टीसी अदरक है, ये है और ये सूखा मसाला है, ये आलू और नमक भी इसी के अंदर है, ये देखिए सफेद में सफेद दिख नहीं रहा है और इसके अंदर देखिए एक छोटे छोटे ये पीला हल्दी है, थोड़ा सा हल्दी के अंदर पोस्तादाना डाले हुए थे, इसके अंदर पोस्तादाना है और खरबूज के बीज है, 1-2 इलायची है, गरम मसाला इसके अंदर है, इसे भी पीस लूँगी मैं। इसको हल्का सा छोटे कर लेती हूँ, उसके बाद इसे पीस लूँगी। तो इसका कच्चापन, लहसुन प्याज टमाटर का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, इसी के लिए मैं कर रही हूँ और इसके बाद मैं मिक्स में पीस लेती हूँ, ठंडा करके मिक्स में पीसना है, गरम गरम नहीं पीसना। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, इसे पूरा अच्छी तरह से भूनना नहीं है, बस कच्चापन इसका निकल जाए प्याज और टमाटर का, इसलिए मैं इसको भूनी हूँ। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और ठंडा करके मिक्स में पीसूँगी। लहसुन के 8-10 कलियाँ हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, सब्जी के अनुसार डालना है, थोड़ी सी सब्जी में तो थोड़ी सी ही डालना है। और इसके अंदर मैं तेल डाल रही हूँ सोयाबीन भुनने के लिए, तो तेल गर्म हो जाए फिर सोयाबीन इसके अंदर मैं डालूँगी। और इसे निकाल लिया है, अभी ये ठंडी हो जाती है तो मैं इसे पीसूँगी, इसमें से भाप उठ रही है देख रहे हैं। और जो पोस्तोदाना वगैरह है मैं मिक्सी के अंदर डाल दी हूँ, पोस्तोदाना है, खरबूज के बीज है, ये सब मिक्स करके मैं डाल दी हूँ। तो तेल गर्म हो गई है, अब ये सोयाबीन के 4-5 पानी से धो के, गर्म पानी में थोड़ा सा धो के और इसे मैं निचोड़ ली हूँ। एक हाथ से सूख कर रही हूँ, थोड़ा दिक्कत होगा, इसी वजह से मैं पहले इसे निचोड़ के रख दी हूँ, आपको दिखा रही हूँ। इसे अच्छी तरह से भूनना है, आप इसे चाहे तो अच्छी तरह से तेल में छान भी लें, लेकिन ज़्यादा तेल हो जाएगा, इस वजह से मैं इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और देखिए सोयाबीन भून गया है और कम तेल में बना रही हूँ मैं, इसके अंदर आलू भी डाल देती हूँ, अब इसे भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो वो आलू को भी भून ली हूँ, डीप फ्राई नहीं की हूँ मैं, कम तेल में बना रही हूँ, तेल ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए कभी कभी खाते हैं डीप फ्राई, और डेली यूज के जो खाना बनता है उसमें सब्जी में थोड़ा कम ही तेल डालूँगी, और अभी मसाला डालूँगी तो उसमें भी तेल लगेगी, इसलिए मैं कम तेल में ही दोनों को एक साथ भून ली है। तो चलिए अब मैं मसाले को मिक्सी में पीस लेती हूँ, ले लेती हूँ मैं इसमें और फिर मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए मसाला हमने पीस लिया है और ये सूखा मसाला है और इसे फ्राई करके निकाल लिया है, सेमी फ्राई है, देखिए सोयाबीन बहुत अच्छा से फ्राई हो गया है, बिल्कुल सूखा सूखा हो गया है और आलू भी, और इधर
तेल। अब देखिए इतना सारा तेल हो गया, यदि मैं आलू को अलग से फ्राई करती तो बहुत ज़्यादा तेल लगता और वो नुकसान करता। थोड़ी सी हींग, लाल मिर्च दो, और ये जो मसाला पीस के रखा है उसको प्याज हमने पीस लिया है, प्याज को छोड़ा में नहीं डाली। और इसके बाद सूखी मसाला, मिर्ची, नमक और हल्दी। अब इसे मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो देखिए मसाला तेल छोड़ दिया है, अच्छी तरह से भून लिया, कितना सुंदर कलर निखर के आया। लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग आप डालें, मैं कश्मीरी मिर्च नहीं डाली हूँ, टोमेटो से कलर इसका आया है खुल के। तो मसाले अच्छी तरह से भून लिया, मैं इसमें अब आलू डालती हूँ। ये रहा आलू सोयाबीन, तो इसे अब डालती हूँ मसाले के अंदर। पोस्तोदाना से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, अब ज़रूर पोस्तोदाना डाल के बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनेगा। पोस्तोदाना बोले तो खसखस, जिसे खसखस हम बोलते हैं वो पोस्तोदाना है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, अब जितना ग्रेवी आपको खाना है, ग्रेवी तो डालना ज़रूरी है, जितना आपको खाना है उतना ही डालें, ज़्यादा न डालें। तो मैं इसके में पानी डाल रही हूँ, मुझे जितना ग्रेवी चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून गया है, बरसात के मौसम अभी हो गया है, बहुत बारिश हो रही है बाहर। अब इसके साथ अगर आप पूरी खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। पोस्तोदाना डाल के आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और पूरी, सादा पूरी, बहुत अच्छा। वैसे रोटी और चावल से दोनों से अच्छा लगेगा, पूरी से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। देखिए कितना बढ़िया एक एक दाना दिख रहा है। अब बस 2-3 मिनट लगेगा बन के तैयार, उबाल आ जाएगी इसके अंदर, हो जाएगा। तो ये देखिए उबाल आ गई है, लेकिन अभी और 2-3 मिनट इसे पकाऊंगी अच्छी तरह से, पानी के कच्चापन निकल जाएगा। और इसके बाद कस्तूरी मेथी, इसे अच्छी तरह से क्रश कर ली हूँ मैं, और इसे फिर थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी, और इसका टेस्ट 4 चांद लग जाएगा। खा के देखिए बहुत ही बढ़िया लगेगा। और इसे थोड़ी देर के लिए मैं ढक के रख देती हूँ, बस थोड़ी देर, मुश्किल से 2-3 मिनट और बनेगी, उसके बाद हो जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है, बढ़िया है। अब मैं इसे ढक्कन हटाती हूँ, ओहो क्या खुशबू आ रही है, देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया आलू सोयाबीन। मैं गैस बंद करती हूँ, और कढ़ाई में ही आपको मैं दिखा रही हूँ, प्लेटिंग नहीं कर रही हूँ। इसी में देखिए आप, क्योंकि बहुत सारा बना हुआ है तो
बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल सिंपल तरीका से बनाई हूँ मैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मम्मी यम्मी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।